देखो बच्चों, अधिकतर कमियां कहाँ आती हैं, ये देखो खिंचाव आ रहा है, ये फिटिंग में गलती की हुई है, यहाँ से जो दबाव ज्यादा डाल दिया है, ये देखो इतना दबाव है। इस बच्ची ने क्या किया है, यहाँ से 6.5 लेना है तो इसने ऊपर भी 6.5 ही लिया है, बिल्कुल सीधा फिटिंग लगा दिया है, जबकि सलवार में सीधी फिटिंग नहीं लगाते हैं, इसको तिरछा फिटिंग लगाते हैं। यहाँ से हमें 6.5 लेना है, जितना कस्टमर बोलता है उतना लेना है, 6.5, 7.5, 5.5 जितना तुम्हें रखना है, और उसके बाद यहाँ से तिरछा फिटिंग लगाते हैं। और इस बच्ची ने बिल्कुल सीधा लगा दिया, तो ये देखिए यहाँ खिंचाव आ रहा था जो मैंने सीधा करके दिखाया पहले, अभी ये देखिए 1/2 इंच खुल गया है, इससे ज्यादा इस वाले पैर में कुछ ज्यादा ही है, ये देखिए यहाँ ज्यादा खिंचाव है। ऐसे नहीं दिखता, ये देखिए हम इसको उल्टा करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ 1.5 इंच का दबाव हो गया है, ये पहले ही मैंने निशान लगा दिया है, ये 6.5 नीचे भी ऊपर भी बिल्कुल सीधा निशान ले लिया है, फिर उसके बाद इस बच्ची ने तिरछा ले लिया है, इसी कारण ये झोल आ जाता है, ये देखिए 1.5 इंच का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये गलतियाँ करने से सलवार खींचता है, और कस्टमर कहता है कि देखो हमारे एडी पे से सलवार चुभता है या खींचता है, ये देखिए यहाँ से तिरछा निशान मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ बिल्कुल 1.5 इंच खुला है हमारा, 1.5, 1 इंच खुल गया, ये देखिए सिलाई दिख रही है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से कपड़े की फिटिंग सही नहीं आती है। अब इसने पहले ही कटिंग कर दिया है, अब यहाँ पे मार्जिन रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी 1/2 इंच है, हो जाएगा कपड़ा सही, यहाँ सिलाई लगा दी जाएगी।